दुनिया में क्रिकेट के एक से बढ़कर एक स्टेडियम है। हर स्टेडियम का अपना इतिहास है। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो लॉर्ड्स और ईडन गार्डन्स पर खेले। लेकिन क्या आप ऐसे स्टेडियम के बारे में जानते हैं जहां बाउंड्री लाइन के अंदर पेड़ है? और तो और, इस मैदान पर वर्ल्ड कप के मैच भी खेले गए हैं। आप में से कई लोगों को साल 2003 का वर्ल्ड कप याद होगा। इसका आयोजन पहली बार साउथ अफ्रीका में किया गया था। इस दौरान वहाँ के एक स्टेडियम की खूब चर्चा हुई थी। ये है पीटर मैरिट्सबर्ग। दरअसल यहाँ बाउंड्री लाइन के अंदर एक बड़ा सा पेड़ है, लिहाजा यहाँ के नियम थोड़े अलग हैं। अगर गेंद पेड़ में कहीं भी टकरा जाए तो उसे चौका मान लिया जाता है। यहाँ अब तक केवल दो अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं। दोनों मैचों का आयोजन साल 2003 के वर्ल्ड कप में ही किया गया था। पहले मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की भिड़ंत हुई थी, जबकि दूसरे मैच में 23 फरवरी 2003 को टीम इंडिया की टक्कर नामीबिया से हुई थी। इस मैच में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली दोनों ने धमाकेदार शतक लगाया था। इसके बाद बारी आती है सेंट लोरेंस ग्राउंड की। ये केंट क्रिकेट क्लब का होम ग्राउंड है। मैदान में बाउंड्री की रस्सियों के भीतर 27 मीटर ऊंचा लेमन ट्री था। हालांकि 2005 में तेज हवाओं के दौरान ये गिर गया। 200 साल पुराने पेड़ के स्थान पर एक नया पेड़ लगाया गया था। क्रिकेट का ऐसा एक और अनोखा मैदान नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में है। इसे वीआरए क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। इस ग्राउंड ने कई हाई प्रोफाइल वनडे मैचों की मेजबानी की है। 1999 विश्व कप का एक मैच और 2004 में भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वीडियोकॉन कप के मुकाबले यहां खेले गए थे। मैदान के ठीक अंदर विशाल पेड़ है। हालांकि नीदरलैंड ने पिछले एक दशक में किसी हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी नहीं की है। वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।